जब वो बैठ जाएगी तो आप यहाँ पे बैठ के सेंटर में, आप सेंटर में तो राइट में आप लोग और राइट बस और मैं इसमें मैंने पूछूंगा अभी हाँ फिर फल्गुनी यहाँ आ जाएगी अभी आ रही है करे सुन रहे थे क्या बोल रही है मैं देखा आखिर दोनों एक दूसरे के लिए मतलब जितना प्यार रणवीर करते थे ईशानी से तो आज मिल रहे हैं शादी हो रही है दोनों की हाँ जी फाइनली शादी हो रही है और जो ऑडियंस चाहती थी मेरे ख्याल से इतने टाइम से इट्स फाइनली हैपनिंग टुडे और बहुत ऑडियंस वैसे भी चाहते थे कि ईशानी की शादी चिराग से हो जाए कौन चाहती थी ऑडियंस कोई तो चाहता होगा चिराग के घर वाले चाहते होंगे ना जो पंजाब में पंजाब में दिल्ली में अच्छा दिल्ली में वो तो चाहते होंगे कम से कम बट कॉल आता था आंटी को बेटा कर लो ना तुम ही कर लो तुम ही कर लो तो आज हाँ फाइनली हो रही है ईशानी तो ऐसे काफी मतलब खुश है ही नहीं तो ईशानी कैसे फील कर रही है रणवीर चिराग अपना प्यार छोड़ के ईशानी अभी पूरी शॉक बस यहाँ मत देखा तो ईशानी पूरी शॉक में अभी कि क्या हुआ है बिकॉज चिराग शो ऑफ नहीं करता है मंडप पे एंड वो मंडप के ऊपर ऐसे सज धज के पूरा वेट कर रही होती है एंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं तो वेट कर रही होती है तो पहला शॉक उसको वो लगता है कि चिराग नहीं आई है तो डिटर्मिंड होती है कि नहीं वो आएगी वो मंडप पे अकेले जाके बैठ जाती है एंड रणवीर आता है एंड देन बहुत ड्रामा होता है बहुत हाई ड्रामा होता है देन किसी तरह मेरी मॉम मुझे मना लेते हैं मैं एक बॉम्बी की तरह जिंदा लाश की तरह ये कचरा दिखता है तेरे को हाँ तो एक जिंदा लाश की तरह ऐसे मंडप पे जाके बैठ जाते हैं उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या रस्में चल रही है क्या फेरे चल रहे वो एक बॉम्बी की तरह बैठी होती है सीरियल पानी खाली बैठा है कुछ भी नहीं है तेरे बैन में मैं आ रही हूँ इसके बैन में होगा पहले बोल दे मेरे बैन में करो तो ये ऐसे फेंकेगा अरे क्या फेंक रहा हूँ मैं मेहमान है तू पानी की बॉटल नहीं रख रहा हूँ तमीज से कर ले इंटरव्यू सीरियसली चलो ठीक है आई वांट टू आस्क यू अभी जैसे एक क्वेश्चन पूछ जिसे पाने की थी हसरत जिसे ऐसे कुछ है ना टैगलाइन जिसे पाने की थी हसरत उसकी पता नहीं क्या नहीं है हैसियत जिसकी नहीं है ऐसा कुछ है जिसकी है हसरत उससे पानी की नहीं है हैसियत हाँ तो अब आज आखिरकार पा रहे हो ईशानी को तो हैसियत भी है हसरत भी हैसियत भी है हसरत भी है नियत भी है फितरत भी है सब कुछ है और आज किस्मत भी है जो साथ दे रही है और फाइनली ईशानी के साथ शादी हो रही है अब देखो आगे जाके क्या होता है